गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। और अभी बज रहा है सुबह के 7 और मेरे हाथ में है चाय के प्याले और साथ में थोड़ा बहुत तुलसी के पत्ते। और अब जैसे कि आप सबको पता है, अभी मैं ससुराल में हूँ और ये चाय मैं अपनी ससुर जी के लिए लेके जा रही हूँ। सुबह सुबह मैं उनको चाय पिलाती हूँ, साथ में थोड़ा सा तुलसी के पत्ते और शहद। ये है मेरे बाबा, मतलब मेरे ससुर जी। 2005 में मैंने अपना पिता खोया था। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, तब से लेकर आज तक इनको ही मैंने अपना पिता मान लिया। तो सुबह सुबह बाबा उठ गए, और हर सुबह वैसे भी मैं ही बाबा को जगाने की काम करती हूँ चाय लेके आके। और इस साल कलकत्ता में काफ़ी ठंडा गिर रही है और साथ में थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है, इसीलिए इस टाइम बहुत बीमार रहते हैं मेरे बाबा, क्योंकि उनको अस्थमा की बीमारी है, सांसें फूलने लगते हैं। और जैसे ही ज़्यादा ठंडा गिरने लगे, जैसे ही थोड़ा सा बारिश होने लगे, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। तो बाबा अभी उठ के बैठ गए हैं चेयर पे, और वो मुझे बता रहे थे कि बाहर से हवा बहुत अंदर आ रहा है, क्योंकि उस टाइम हवा बहुत चल रहा था, इसीलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दी। और उनको अभी मैं तुलसी के पत्ते और शहद पिलाऊंगी अपने हाथों से, उसके बाद वो पियेंगे चाय। चाय के साथ मैं दूंगी उनको एक बिस्किट, वो एक बिस्किट के साथ पूरी चाय पियेंगे। और ये देख लीजिए मेरे बाबा को सामने से, बहुत प्यारे हैं मेरे बाबा। तो जब तक बाबा चाय और बिस्किट ख़त्म करते हैं, तब तक मैं उनके पास खड़ी रहती हूँ या फिर साइड में बैठी बैठी उनके साथ बातें शातें करती हूँ। जो कुछ भी मुझे अच्छा लगता है और कुछ भी अगर मुझे पसंद नहीं आता है, वो सब कुछ मैं उनसे कह देती हूँ और उनके साथ शेयर भी करती हूँ, और हल्का महसूस होता है और वो भी सुन लेते हैं, और उनका भी जो राय है वो भी मुझे बताते हैं। तो यही है हमारी हर रोज की कहानी, हर सुबह की कहानी। तो अभी चेयर से उठ के बाबा को बेड पे मैंने बिठा दिया है, और उनके सामने बोल पकड़ी है मैंने। उनको कफ बहुत आ रहा था, वो बहुत खास रहे थे, तो फिर से बाबा को मैंने सुला दिया है। और ज़्यादा सोने के वजह से बाबा के पीछे में बेड सुर हो गया था, उनका ड्रेसिंग भी कर दिया और उनको कुछ देर के लिए सुला दिया। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं बाबा के ब्रेकफास्ट ऊपर लेके जा रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में है रसगुल्ले, अंडा और बनाना। तो बाबा का जो ब्रेकफास्ट है वो भी मैं अपने हाथों से ही खिलाती हूँ, और वो अच्छे से खा नहीं पाते हैं, इसलिए सब कुछ टुकड़ा टुकड़ा करके खिलाती हूँ। और खाते खाते उनको खांसी आ गया था, और इसलिए वो थोड़ा सा पानी मांगे थे, इसलिए मैं पानी पिलाऊंगी और फिर से मैं खिला रही हूँ। अस्थमा के प्रॉब्लम के वजह से उनको जब भी वो खाना खाते हैं और वो खाना निगलने के टाइम में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, शायद खाना गले में अटक जाते हैं। हम लोग तो नॉर्मल है, हमको इतना नॉलेज होगा नहीं, जिनको प्रॉब्लम होता है वही सिर्फ समझ सकते हैं, है ना। इसीलिए वो बहुत ही तकलीफ उठा के खाना खाते हैं, और खाना खाते खाते बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट करने की ज़रूरत होता है उनको, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक के सांसें लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर से वो खाते हैं। कल की जल देबो, आज तो जल देबो।
तो खाना खाना हो गया और ज़्यादा खाना बाबा नहीं खा पा रहे थे, इसलिए वो दवाई मांग रहे थे और उनका सुबह का जो भी दवाई होता है वो मैं ही दे रही हूँ। बहुत सारा दवाई वो खाते हैं सुबह को, 3-4 तो हो ही जाते हैं। दवाई लेने के साथ साथ वो गर्म पानी भी लेते हैं क्योंकि उनके लिए ठंडा बहुत ही खतरनाक है। डॉक्टर भी कहते कि हमेशा गर्म पानी पीना है और गर्म खाना, सब कुछ गर्म ही होना है। और जहाँ पे वो रहेंगे वो घर भी काफ़ी गर्म होना चाहिए, इसलिए वो गर्मी में ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं। और उनको मैं एक एक दवाई दे रही हूँ और साथ साथ वो एक एक गर्म पानी की सिप ले रहे हैं और दवाई खा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने उनको एक शॉल भी ओढ़ दिया। बाहर हवा भी चल रहा था और ठंडा हवा भी इनके लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैंने कोई चांस ले नहीं। तो सुबह बाबा को दवाई सवाई खिला के और वो वेपर ले रहे थे, तो वेपर लगाने के लिए बिठा दिया मैंने। और मैं नीचे आ गई थी नहाने के लिए और नहाना मेरा हो गया, लेकिन बाबा का अभी तक हाथ पैर में और बॉडी स्पंज करना बाकी है, उनको तेल मालिश वगैरह करना बाकी है। तो मैं अभी जा रही हूँ ऊपर बाबा को फिर से फ्रेश करवाने के लिए। तो अभी मैं फिर से आ गई हूँ ऊपर और अभी बाबा के पैरों में और हाथ और छाती में गरम तेल मालिश करूँगी, और इसलिए उनके पैरों से मैंने मोजे उतार दिए। ठंडी में क्या होता है, एक्चुअली बाबा को बहुत कफिंग का प्रॉब्लम है और छाती में बहुत ज़्यादा कफ जमा हो जाता है, इसके वजह से उनको सांसें लेने में बहुत तकलीफ होती है। खांसी तो होती है बहुत ज़्यादा उनको, लेकिन ये जिद्दी कफ निकलना नहीं चाहता, इसलिए मैंने सोचा कि उनको सरसों के तेल में लहसुन थोड़ा सा पीस के गरम करके मालिश कर दूँ। इसके वजह से क्या होगा, जिद्दी कफ जो है आसानी से निकल जाएगा और उनको थोड़ा राहत मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी आ गई है देखने के लिए कि मैं कैसे दादा को मालिश कर रही हूँ। तो बचपन से मेरी मम्मी से सुनते आ रही हूँ कि अगर सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाए, अगर कफिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा हो, तो लहसुन तेल गर्म करके पैरों के नीचे पैरों तले अच्छे से घिसने से जिद्दी कफ जो होता है, सर्दी जो होता है, वो आसानी से निकल जाता है। हम सबको पता है कि सर्दी का मौसम बहुत ही रूखी होती है और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और बाबा को भी वैसे ही हुआ है, स्किन बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो गया। और विंटर के सीज़न में बाबा का हालत बहुत ही ख़राब रहता है और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, लगातार 2-3 महीना तक वो बीमार रहते हैं, और उसके बाद जब गर्मी शुरू होती है तब जाके उनको थोड़ा आराम मिलती है। कभी मैं गैंगटॉक से कोलकाता आऊँ या ना आऊँ, साल में विंटर के सीज़न में मुझे आना ही पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ कि ठंडी के मौसम में बाबा का हालत ऐसा ख़राब हो रहा है, उस टाइम मुझसे रहा नहीं जाता और मैं बस दौड़ के आ जाती हूँ उनके पास, क्योंकि वो एक बच्चों की तरह एकदम बर्ताव करने लगते हैं, किसी के बात नहीं मानते हैं, ये नहीं करेंगे वो नहीं खाएंगे ये सब बोलते रहते हैं। तो मैं जब भी आती हूँ तो बाबा को बस एक बच्चों की तरह ही मैं ट्रीट करती हूँ, कभी प्यार से कभी झगड़ा करके उनको बात मनवाती हूँ उनसे। और ये है मेरा देवर का बेटा, ये बस 3 महीना ही पहुँचा है। वैसे तो बाबा का मालिश कंप्लीट हो गया और उसी टाइम मैं सुन रही थी ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैं उस टाइम दौड़ के गई और इसको मैं गोदी में उठा ली और इसी के साथ ही मैं टहल रही हूँ। तो मालिश हो जाने के बाद बाबा को थोड़ी देर के लिए धूप में बिठा के रखी थी और वो धूप सेक रहे थे, और मैं बाथरूम में पानी गर्म करने के लिए बिठाए थे, तो बाथरूम से बाल्टी में पानी लेके आई, एकदम तपता हुआ धुआं उठता हुआ पानी है,
उसी में ये कपड़ा डुबो के, ये सूती का कपड़ा है, इसको बंगाली में गमछा कहा जाता है, इसको अच्छे से निचोड़ के बाबा का सर, फेस, हाथ, पैर, छाती अच्छे से पोंछ दूंगी। मुझे इनके पैर छूना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही एक इंसान है जिनके अंदर ना कभी कोई घमंड है और ना कभी किसी के सामने बड़ी बड़ी बातें किए हैं। इन्होंने वेस्ट बंगाल हाउसिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पोस्ट में काम कर चुके हैं, लेकिन मैंने कभी इनको किसी के आगे बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुना ही नहीं और ना कभी किसी को छोटा समझते हुए देखा है। तो मालिश और बॉडी कंपोज सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद मैं बाबा को अच्छे से कंघी कर दूंगी और उसके साथ थोड़ा सा क्रीम भी उनके फेस में लगा दूंगी, क्योंकि पहले भी मैं बोल चुकी हूँ स्किन बहुत ड्राई हो जाता है और बाबा का स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है और बाबा के फेस में 2 पिंपल्स जैसा भी आया था, वो मैं पूछ रही थी कि ये क्या हुआ है। तो अभी स्वेटर को बंद कर रही हूँ क्योंकि बाबा बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है और उनको मोजा भी लगा दूंगी। फिर मैं जाऊंगी नीचे, इनको खाना भी खिलाना है, लंच भी करवाना है, वो शायद मेरी सासू माँ करवाएंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी घर में बज रहा है शाम के 6। बाबा को जितना भी जो कुछ भी सुबह से जितना भी करना था मैंने कर दिया था। उसके बाद दोपहर में मेरी सासू माँ खुद ही जाके उनको खाना खिलाया और वो खाना खाने में वो लिक्विड खाते हैं। तो उसके बाद 4 बजे तक, फिर से शाम के 4 बजे मैंने फिर से बाबा को चाय पिलाई और दोपहर के बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि यहाँ पे मेरी बेटी को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसी वजह से मुझे ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। मतलब बाबा के लिए और क्या क्या मैं करती हूँ ससुराल में आके वो सब नहीं दिखा पाई, तो इसके लिए माफ़ी मांग लेती हूँ। तो ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे ख़त्म करूँगी और आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल में जो लोग नए आ रहे हैं क्या क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बहुत ही जल्दी आपसे मिलती हूँ नया एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा, लव यू ऑल।